नमस्कार, देश टीवी की विशेष प्रस्तुति खास बात में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को पूरे देश ने, पूरे विश्व ने जाना है और छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को देश विदेश में पहुंचाने का जिम्मा किन्हीं कंधों पर है। छत्तीसगढ़ के ये सपूत लगातार अपने प्रयास से हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान देश और विदेश में बनाते आ रहे हैं। आज उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी भेंट करा रहे हैं जो पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री भारती बंधु की। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, उनके जीवन व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और साथ ही सांगीतिक सफर के बारे में भी चर्चा करेंगे। भारती बंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे चर्चा की शुरुआत के पहले ये जान लें कि आप सांगीतिक जीवन के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन कैसे आना हुआ संगीत के क्षेत्र में? दरअसल बात यह है, मेरे से पहले मेरे पिताजी तक जो भक्ति संगीत हमारे घर में है, ये मंदिरों या धार्मिक अनुष्ठानों में हुआ करती थी। हमको संगीत विरासत में मिला है। मैं 5वीं जनरेशन के बाद हूँ मैं जी। मतलब मैं 6वीं जनरेशन हूँ मैं। तो संगीत विरासत में मिला, भक्ति अध्यात्म विरासत में मिला। हमारे यहाँ बच्चा संगीत करे न करे, वो सुर पे ताल पे होता ही है। वो पिताजी तक मंदिरों में या किसी धार्मिक अनुष्ठानों में ही उनकी प्रस्तुति होती थी, उनका गायन होता था। हम लोगों ने जनमानस में लाया इसको। प्रारंभिक गुरु हमारे संगीत के गुरु और अध्यात्म गुरु मेरे पिता स्वामी विद्याधर ज्ञाना भारती, मेरे पिताजी हमारे प्रारंभिक गुरु हुए हैं जी। फिर उसके बाद संगीत की विधिवत शिक्षा के लिए मैंने उस्ताद आशिक अली खान साहब, जो किराना घराने के बहुत बड़े उस्ताद हैं, सारंगी नवाज हैं, उनसे मैंने विधिवत संगीत की शिक्षा, हारमोनी वादन, गज़ल गायन जी, इसकी शिक्षा मैंने उस्ताद आशिक अली खान साहब से विधिवत, उनके गंडावन शागिर्द हूँ मैं, उनसे तालीम ली। फिर जो महफिल सिमा, जो ख़ास सूफ़ी जी, जिसको आज लोग सूफ़ी कह रहे हैं, उसका सही नाम जो है वो है महफिल सिमा, उसकी विधिवत तालीम हमने उस्ताद हाजी ईद अली शाह चिश्ती से 15 साल सीना बसीना मैंने सीखा। जो सूफियों के महफिल में जिस तरह से सूफिया ने कराम बैठते हैं, वो उसके आदाब होते हैं महफिल के, वो सारा कुछ हमने विधिवत 15 साल सीना बसीना सीखा उनसे। फिर उनके साथ कार्यक्रम भी करते थे। फिर ये आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले चैत्र नवरात की अष्टमी के दिन नया पारा दुर्गा मंदिर में एक आयोजन हुआ। उसमें हम तीनों भाई को अलग अलग व्यक्ति ने आमंत्रित किया। अच्छा। इत्तफाक से बड़े वाले भैया को किसी ने बुला लिया, मेरे छोटे भाई को किसी ने बुला लिया, मुझे किसी ने बुला लिया जी। जब हम वहाँ मंच पर गए तो सारे अवाक रह गए, अरे आप कैसे आप? तो इस तरह से जब वहाँ पर हम मंच पर बैठे तो एक बार की वहाँ चंद्रकांत शर्मा उसके आयोजक थे जी। उन्होंने कहा कि आज आप देश के प्रख्यात कलाकार भारती बंधु को आप सुनेंगे। अच्छा। हम भाई लोग अलग अलग गाना बजाना करते ही थे, मिलके भी करते थे, लेकिन जो भारती बंधु जो संबोधन जो है,
आज से 25-27 साल पहले, लगभग 27 साल, 27 वर्ष पहले उस आयोजन में अनायास ऐसा इकट्ठे हो गए हम, और वहाँ हमको आज आप भारतीय बंधु को सुनेंगे इस तरह से जी। तो भारतीय बंधु का सिलसिला इस तरह से चलने लगा। लेकिन बचपना से घर से ही हम लोग का गाना बजाना चल रहा है। मुझे लगभग 47 बरस हो गए निरंतर इस फील्ड में हूँ मैं जी। हमारे अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये पहली बार भारत देश के भी इतिहास में हुआ है कि कबीर गायन के क्षेत्र में किसी को पद्मश्री मिला है और वो भारतीय बंधु को मिला है। अब आपका जब सफ़र चल निकला, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर। जब आप देश हमारे प्रदेश से बाहर गए और राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रस्तुतियाँ देनी शुरू की, आपने क्या पाया? क्या यहाँ के जो कलाकार हैं या वहाँ के जो राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार, वो जुदा होते हैं? ये एक बहुत रोचक बात है। मुझे घटना याद आ रही है, 80 के दशक में मध्य प्रदेश शासन की ओर से, आदिवासी लोक कला परिषद की ओर से, रायपुर के मोती बाग पर एक बसंत जगार बोल करके एक आयोजन होता था जी बिल्कुल। तो वहाँ डॉक्टर कपिल तिवारी आए हुए थे, जो आदिवासी लोक कला परिषद के प्रमुख होते थे। वो मुझे, मेरे एक मित्र ने कहा, वो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, श्रीमान जलील रिजवी साहब जी। तो जलील साहब ने मुझे कहा, जलील रिजवी साहब ने, कि चलो आज मैं एक बहुत बड़े इंसाइक्लोपीडिया से मिलाता हूँ तुमको, बोले। तो हम लोग उनको प्यार से दिलीप कुमार कहते हैं। बोले क्या दिलीप कुमार, कहाँ ले जा रहे हैं? बोले चलो, तो बोले तुमको भी मज़ा आ जाएगा। बोले जब हम गए डॉक्टर कपिल तिवारी से मिले, तो उन्होंने कहा कि जल भाई, बोले कि ये भारतीय बंधु हैं और सब भाई मिल करके गाते हैं, बहुत लाजवाब गाते हैं। तो तिवारी साहब कहते हैं कि बोले आज का कार्यक्रम तो तय हो चुका है, कल इनको हम आधा घंटा दे रहे हैं। अच्छा। बातचीत हुई, दूसरे दिन हम पहुंच गए वक्त पर, हमारा कार्यक्रम हुआ। उस समय भी जलील साहब बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग थे। उसकी गवाही नवभारत के पत्रकार हैं राजेश गनोदवाले, वो भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटा चर्चा होती रही। उन्होंने कहा कि बोले भारती बंधु जी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बहुत अच्छा है, आप यही करते रहिए। देखिए, आप दुनिया के एक अलग सितारे दिखेंगे, बोले। वो कार्यक्रम के बाद जिस तरह से चर्चा हुई, फिर उन्होंने कहा कि बोले हम आपको बाहर बुलाएंगे, आप बाहर जाएंगे रायपुर से बाहर। मैंने कहा साहब हुकुम करिए, हम ज़रूर जाएंगे। उसके करीब 10-15 दिन बाद एक शख्स एक दावतनामा लेकर के आता है कि आपको भोपाल में कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। उस समय तक हम नहीं जानते थे कि भारत भवन क्या चीज़ है। अच्छा। जो पूरी दुनिया के नामचीन मंचों में से एक नाम है भारत भवन, हम नहीं जानते थे कि भारत भवन क्या है। और जब हम रायपुर से निकले, तो भारत भवन जैसे मंच पर गए हम जी। हमारी पहली कार्यक्रम इस लेवल पर भारत भवन में। तो जैसे आपने बताया कि जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, आपने प्रदेश स्तर पर, फिर देश स्तर पर भी अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ देनी शुरू हुई, कोई ऐसा मूमेंट या कोई ऐसा पल भी रहा होगा जब, जो आपको आज भी याद होगा कार्यक्रम के दौरान? ऐसे तो बहुत सारे पल हैं जो अनफॉरगेटेबल है, लेकिन गोवा में 96 देश के लोगों का एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में 96 देश के लोग आए थे और लगभग 20,000 लोग थे वहाँ पर, और 20,000 में 8,000 विदेशी थे लगभग। तो जब वहाँ हमारा कार्यक्रम हुआ,
तो हमने कबीर साहब के एक बहुत ही आकर्षक पद है, कछु लेना ना देना मगन रहना जी। तो गाने के पहले हमने कोशिश करी थी कि जब कुछ लेना नहीं, जब कुछ देना नहीं, जब लेना रहेगा तो देना भी रहेगा, तो बैलेंस शीट बराबर नहीं हो सकता, तो मगन कैसा रहेगा आदमी। तो उसको हमने डिफाइन किया था गायन के माध्यम से कि कछु लेना न कछु देना जी। तो जब लेना नहीं रहेगा, जब देना नहीं रहेगा, तो जो मगन की स्थिति होती है वो उस गायन की प्रमुखता रही है। उस कार्यक्रम के बाद जब सुबह हम समंदर के किनारे घूमने गए तो लोगों को हमने देखा कि जब मिल रहे हैं आपस में, अभिवादन कर रहे हैं तो मगन रहना, कोई बात कर रहा है तो मगन रहना, कोई नाश्ता कर रहा है तो मगन रहना, भोजन कर रहा है तो मगन रहना, कोई प्रेयर कर रहा है तो मगन रहना, वो समंदर में नहा रहा है तो मगन रहना, यही गा रहे हैं। और उस दरमियान वो 20,000 पब्लिक, एक शख्स भी नीचे बैठा नहीं था, सब रक्स कर रहे थे, सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, सब मगन थे। तो इस तरह की कई सारी घटनाओं में एक घटना ये प्रमुख है जिसमें शायद लोगों को समझ आया हो ना आया हो, लेकिन वो एक मस्ती में, एक आनंद में झूम रहे थे, कहीं से बनावटी नहीं लग रहा था। और बनारस में जब हमको जनमित्र सम्मान दिया गया, वहाँ हिंदी के बहुत बड़े आलोचक, हमारे देश के वर्तमान में बहुत उनका नाम है, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, वो JNU में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी थे वो, हाँ उस समय HOD थे वो जी। तो अपनी पूरी टीम को लेकर के वो आए हुए थे। एक स्टूडेंट वहाँ पर विलंब हो गया, कार्यक्रम नहीं सुन सका। अच्छा। मैं थोड़ा दूर खड़ा था तो डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल उस स्टूडेंट को इतनी डांट रहे थे, करीब 10-15 विद्यार्थी खड़े थे, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो उसमें उस लड़के को डांट रहे थे। बोले तो वो लड़का बोला, सर मुझे गाड़ी नहीं मिली, ये नहीं मिला, ऑटो नहीं मिला। बोले टैक्सी करके आ जाते, मैं पैसा दे देता। बोले मैं जिस काम के लिए तुमको बुलाया था वो काम तुम चुक गए। बोले जानते हो तुम क्या क्या खोया? बोले भारती बंधु अपने आप में एक खोज है, भारती बंधु की प्रस्तुति एक खोज है, भारती बंधु को सुनना भी एक खोज है जी। मेरे कान सुन करके सिहर गए कि डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसा व्यक्ति ये संबोधन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है भारती बंधु के लिए। तो हालांकि वो मुझे देखे नहीं थे, मैं दूर किनारे झाड़ियों में था और इस तरह से वो अपने विद्यार्थियों को डांट रहे थे, लेकिन ये बात मैंने अपने कानों से बिल्कुल बेसाख्ता सुने। उसको डांटते हुए कहा कि बोले जानते हो तुमने क्या खो दिया? बोले भारती बंधु अपने आप में एक खोज है, बोले उनकी प्रस्तुति एक खोज है, उनको सुनना भी एक खोज है। बोले आज तुम वो सब तुमको यही कारण से लाया था, तुम ये चूक गए। बोले तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ होती हैं और कब क्या हो जाता है ये बस ईश्वर की कृपा है जी। बिल्कुल, आज चूँकि आज बात संगीत की हो रही है और चर्चा भारती बंधु से हो रही है, तो हमारे दर्शक का भी एक अधिकार बनता है कि वो भारती बंधु को सुने। तो आज कोई ऐसी प्रस्तुति जिसका मुखड़ा आप सुना जी।
फला पे नींबू, आपे मुसलमान आपे हिंदू, आपे लोटा आपे थारी, आपे पुरुषा आपे नारी, आप मच्छ कच्छ आपे जा, आपे जा, आपे ढीवर आपे काल, बस तू ही तू, 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 बस तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू। हाथी में हाथी बन बैठे, कीड़ी में है छोटू तू, कीड़ी में है छोटू तू, कीड़ी में है छोटू तू, ओए महावत ऊपर बैठे, ओए महावत ऊपर बैठे, हाकण वाला तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, सूफी की अगर बात चल रही है, सूफी का जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में पाश्चात्यकरण देखने को मिला है, फिल्मों के माध्यम से भी ऐसे संगीत लोगों के सामने आया है, इसको आप कितना उचित समझते हैं? जो सूफी की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान हमारे सरहद के उस पार से भी आया है जी, जी। हमारे देश में भी अनूठे प्रयोग हो रहे हैं, इस प्रयोग को आप किस नज़रिए से? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं आप प्रयोग करिए, लेकिन उसकी रूह ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, 800 साल पहले बुज़ुर्गों ने जो बंदिशें की है, जो बात कही है, वो कितनी पाकिजगी के साथ में, कितने यानी दुनिया में सिर्फ वही देखता था जो कह दिया उन्होंने, अपने पीर के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने यार के लिए। आज उसको आप तोड़ मोड़ कर रहे हो, ये खलल है, ये उसका रस ख़त्म हो जाता है। और सबसे घिनौनी बात यह है, अपराध है, अक्षम्य अपराध ये है कि लिरिक्स कुछ है और उसका विजुअल कुछ है। अभी किसी ने एक किया नमी दानम, तो ये हज़रत अमीर खुसरो का कलाम है, उसको चरबा करके उन्होंने किया है, और इतना पाक साफ ये तसव्वुफ का कलाम है, उस कलाम को सत्यानाश कर दिया। उसका विजुअल देखेंगे तो एक चड्डी पहन करके एक लड़की बाल खुले हैं, वो नाच रही है, बताइए। जबकि समाखाना में औरतों का प्रवेश ममनू है, और उरियानियत का तो कहीं पर जगह ही नहीं है। महफिल सिमा में जब सूफियाने कराम आते हैं तो बादब आते हैं, उसके आदाब होते हैं, आपके ये घुटना भी नहीं दिखना चाहिए, पैर के घुटना के नीचे होना चाहिए, घुटना तक आप बैठेंगे तो उसके भी आदाब होने चाहिए, आप खड़े होंगे तो उसके भी आदाब होंगे, आप नजराना पेश करेंगे तो उसके भी आदाब हैं। ये है हमारी सोच, मतलब वो जो मोहब्बत, जिस इश्क की जो बात करते थे, वो खुदा से संबंध रखती थी, और उसका जो स्वरूप बदलकर आज दर्शकों के सामने केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इसे पेश किया जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता और यानी बाजारीकरण इतना हो गया है कि उसकी रूह ख़त्म हो गई है, और हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं कि जो संत महात्माओं की वाणी है, उनके कलाम को किसी भी तरह से क्षति न पहुँचाया जाए, चाहे उसके ऑडियो हो, चाहे उसका वीडियो हो। वो बहुत ही सात्विक होना चाहिए, पाक साफ होनी चाहिए। 800 साल पहले हजरत अमीर खुसरो ने कहा है, देखिए मैं आपको एक सुना रहा हूं। ना
करना केरी सखी मोरे पिया घर आए एरी सखी मोरे पिया घर आए भाग जगे मोरे आंगन को बल बल जाऊं मैं अपने पिया के बल बल जाऊं मैं अपने पिया के शरण लगाए निर्धन को एरी सखी मोरे पिया घर आए। अब देखिए इसमें जो सूफी का जो एक मर्म बता रहा हूं आपको, जब सूफियाने कराम बैठे होते हैं सब अपने यार से लौ लगाए रहते हैं, तो जब बात गुजरती है यहाँ पर कि एरी सखी मोरे पिया घर आए, तो हर कोई को लगता है कि मेरा पिया आ गया। तो जब मेरा पिया आया तो वो सब रक्स करने लगते हैं, झूमने लगते हैं। ये उस समय जो गिरेबंदी होती है, तकरार करते हैं, ये इस तरह से देखें। एरी सखी मोरे पिया घर आए, ए पिया घर आए मोरे बलमा घर आए, बलमा घर आए मोरे सजना घर आए, सजना घर आए मोरे दाता घर आए, सजना घर आए मोरे दाता घर आए, दाता घर आए मोरे मुर्शिद घर आए। क्या तुझको खबर है गुलशन मेरे दिलवर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं जी। ये री सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे मोरे आंगन को, ये री सखी मोरे पिया घर आए। बिल्कुल भारती बंधु जी, चूंकि आपसे बात, आपसे चर्चा और से ख़त्म करने का मन नहीं करता, लेकिन चूंकि हमारा भी एक समय, हमारी समय सीमा है, आपने स्टूडियो में आकर इतना समय दिया, लेकिन हम चलते चलते आपसे एक राय ज़रूर जानना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के सानिध्य, उसमें पृष्ठभूमि पर अगर हम देखें, लोक कला के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या ज़रूरत महसूस करते हैं, क्या बदलाव की ज़रूरत है और किस तरीके से इनको आगे लाना है? छत्तीसगढ़ में तो संभावनाएँ बहुत हैं, कलाकारों की कमी नहीं है, बस उस कलाकार को दिशा बोध कराने की कमी है। शासन बड़ी ईमानदारी से बिना पक्षपात के, बिना एक्साइटमेंट के उन कलाकारों को दिशा बोध कराए। कलाकारों का कार्यक्रम कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कोई गांव से आया उसको आप दिल्ली के मंच पर ले के गए, ऐसा नहीं। वो कलाकार, मैंने बड़े बड़े कलाकारों को स्टेज फेयर देखा है, जब मंच पर आते हैं तो वो भूल जाते हैं या डर के मारे कुछ के कुछ हो जाता है। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि कार्यक्रम ख़त्म हो गया, कलाकार ने माइक ऑन नहीं किया है, ऐसे भी देखे हैं। उन कलाकारों को छत्तीसगढ़ में, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत संभावना है और प्रचुर मात्रा में यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, उसका जवाब नहीं। हम तो पूरे देश दुनिया घूमते हैं तो निसंकोच हमारा प्रदेश अन्य लोगों से, अन्य प्रदेश से, अन्य कलाकारों से कहीं पर कम नहीं है। बाकी इनका संरक्षण, संवर्धन, इनको कैसे सजाना है, इनको किस तरह से मंच पर ले आना है, कौन से मंच में लाना है और उनका मानदेय भी उनको सम्मानजनक मिले,
और उसको एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम की उसको झलक दिखाएं कि देखो तुम यहाँ अच्छा करोगे, उस मंच पर ले जाना है तो। उनको प्रेरित करना, निरंतर साल भर यही चलते रहना चाहिए। और किसी भी कारण से हुआ हो, मैं नहीं कह सकता मैं कि आज 15 साल में कम से कम 15 कलाकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित हो चुके होने चाहिए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि वो किसी कारण से नहीं हो पाया। अभी मंत्री अजय चंद्राकर जी आए हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और एक बहुत अच्छी बात यह है कि पुनः छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग को दिशा बोध कराने के लिए, सुशोभित करने के लिए कल्चर कमिश्नर के रूप में हमारे यहाँ राकेश चतुर्वेदी आए हैं। वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, सांस्कृतिक व्यक्ति हैं। उनसे उम्मीद है कि भविष्य में कुछ अच्छे रास्ते आएंगे और अच्छे परिणाम भी आएंगे। चलिए भारती बंधु जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनको बेहतर मंच मिले, उनको वर्गीकृत सही तरीके से किया जाए, ताकि वो जिस मंच के लायक है उस मंच पर उन्हें परफॉर्म करने का बिल्कुल मौका मिले। आप हमारे स्टूडियो में आए और आप इतनी अहम चर्चा में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया साहेबबंदगी। तो दर्शकों, ये थे भारती बंधु, जिन्होंने अपने जीवन शैली के बारे में तो बताया ही, साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से कबीर पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए, बाद में ये सूफी गायन के क्षेत्र में भी गए। और इसमें कोई शक नहीं कि आज भारती बंधु राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान रखते हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। खास बात के अगले अंक में एक और व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।